वेलकम अंजुम की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अंजुम का प्यार भरा सलाम। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश जिसका नाम है प्रॉन्स फ्राई। आप उसे कह सकते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से या बहुत ही स्पाइसी स्पाइसी से, जो कि बिल्कुल आप खाएंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं इसके लिए हमने जो सामान लिया है और प्रॉन हमने कितने लिया है वो बता देते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब प्रॉन्स लिया है और ये टाइगर प्रॉन है। आप अगर छोटे साइज़ के भी आपको मिले तो वो भी इसमें चल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े लेंगे तो बहुत आसान होता है इसे तलना। छिलके तो इसके मार्केट से साफ़ होके मिल जाते हैं, लेकिन इसमें एक वेन होती है और वो वेन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस तरीके से ये काली एक वेन होती है, तो आप इसे नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसे कट करिए और कट करके जो वेन है इसे साफ़ कर लीजिए। तो ये साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसे साफ़ नहीं करो तो पेट भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 छोटे चम्मचे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में पीस के रखा था, हम घर में ही पीस के बना के रखते हैं। यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच मतलब 1 टीस्पून के करीब हल्दी का पाउडर, वो हमने इसमें डाल दिया। अब चलिए हम इसमें डाल देते हैं रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इसलिए हम इसे 1 टेबल स्पून भर के ले रहे हैं, क्योंकि तेज़ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम 1 चम्मच पूरा भर के डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, जैसा आप बड़ी बड़ी होटलों में और रेस्टोरेंट में जब खाते हैं उसी तरीके का। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर, ये भी हमने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। अब हम चलिए इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला, जो कि हमने 1/2 टेबल स्पून के करीब लिया है, इससे बहुत अच्छा मज़ा आ जाता है। ये गरम मसाला भी हमने घर में बना के रखा है, उसका भी हम आपको इंग्रेडिएंट बता देंगे जिस तरीके से हमने डाला है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि हमने 1 छोटा चम्मच भर के लिया है। चलिए अब इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक, हमारे जो झींगे हैं उसके मुताबिक नमक हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच और 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला। इसमें ऐड कर देते हैं 1 नींबू, नींबू से खटास बहुत अच्छी से आ जाती है। यहाँ पर आप हाथ की मदद ले लीजिए ताकि उसमें दाने ना गिरे। और चलिए इसे भी हमने निचोड़ दिया, और चलिए 1/2 नींबू और निचोड़ देते हैं ताकि खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लगेगा, तेज़ और खट्टा बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं ये हमारे प्रॉन फ्राई। बहुत क्रिस्पी रहेंगे ये, अंदर से नरम रहेंगे बिल्कुल और ऊपर से बिल्कुल होटल टाइप रहेंगे ये। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं हरे मसाले। हरे मसालों में हमने लिया है 1 टेबल स्पून बारीक कट करके हरा धनिया, 1 टेबल स्पून बारीक करके करी पत्ते के लीव्स हैं, और 1 टेबल स्पून बारीक चॉप कर लिया है हरी मिर्ची को। तो ये तीनों जो ग्रीन चीज़ें हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए हरा धनिया इसमें चला गया, हरा धनिया से बहुत प्यारी सी खुशबू आने वाली है, और यहाँ पे करी लीव्स हैं हमारे जिसे करी पत्ता भी कहते हैं, वो डाल दिया, और बारीक कटी हुई हमने हरी मिर्ची को भी इसमें ऐड कर दिया। चलिए ये सारी चीज़ें इसमें चली गई, अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे मिलाना शुरू करते हैं। इस तरीके से मिलाना है कि सारे मसाले हर एक झींगे में हर एक प्रॉन में लग जाए। तो चलिए हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे मिला लिया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बाइंडिंग एजेंट, जो कि है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये हम इसमें डाल देते हैं। और हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रिस्पीपन के लिए, करारे बनने के लिए 1 टेबल स्पून चावल का आटा, राइस फ्लोर। तो ये दोनों इसमें चले गए 1-1 टेबल स्पून। अब बस इसे फिर एक बार बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि सारे झींगों के ऊपर मसाला बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाए, और तलते वक्त ये मतलब अच्छे कुरकुरे कुरकुरे से बने। तो चलिए हमने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया, अब बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपके पास वक्त है तो 1/2 घंटा आप मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए, और अगर नहीं है तो आप इसी वक्त भी इसे तल सकती हैं। तो हम तो इसे झटपट ही तल रहे हैं, हमने इसमें तेल डाल दिया है, तेल काफ़ी सारा डाला है क्योंकि डीप फ्राई होंगे ये, और तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे प्रॉन अपने इसमें डाल देंगे, बस हमें ओवर क्राउडेड नहीं करना है, क्योंकि अगर ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो चिपक के ये ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसे तल लिया। ये सारी चीज़ें हम मीडियम फ्लेम पे तल रहे हैं ताकि जो अंदर का हमारा प्रॉन है वो नरम रहे, और ऊपर का जो मसाला है बिल्कुल कुरकुरा कुरकुरा सा हो जाए, और इसीलिए तो फिर ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे, बिल्कुल भी स्पाइसी स्पाइसी। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसी तरीके से हम सारे प्रॉन अपने तल लेंगे, बस एक ही चीज़ का ध्यान रहेगा कि हम इसे लो फ्लेम पे नहीं तलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक तलेंगे तो ये बिल्कुल रबर की तरह हो जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल झटपट हमारे प्रॉन फ्राई रेडी हैं। आप इसे एज ए स्टार्टर खाइए या आप चाय के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल देते हैं, हरे धनिया के बगैर तो कोई भी डिश अधूरी है, और साथ में रख देते हैं लेमन, इस पर आप निचोड़िए नींबुओं को और मज़े लेके चटपटे चटपटे प्रॉन को खाइए। आप मुझे ज़रूर ज़रूर याद रखिए जब आप ये
दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिए, मुझे खुशी होगी। anjums.kitchen पे मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी और नई झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।